आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मैं जो पनीरी है हर चीज़ की कैसे तैयार करता हूँ, ख़ास करके टमाटर की और जो फूलों की। तो ये घर में से जो ऑल पर के और दूध के डब्बे निकलते होते हैं, इसको मैं ज़ाया नहीं करता, ये मैं इकट्ठे करता रहता हूँ और उनमें फिर सॉइल भर के, मिट्टी भर के एक एक बीज लगा देता हूँ। ये देखें, एक बीज इसमें लगाया हुआ है, ये सब में एक एक बीज लगा हुआ है, ये सारा इन जो ये मेरे पास 70-80 थे इस तरह के डब्बे, डब्बा कहते हैं इसको, डब्बे, तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। इस्तेमाल जो इस इतने इतने पौधे हुए थे उनमें इतने इतने बड़े, ये उन्हीं में से है, ये रोमा है मेरे पास, ये करीब से भी हुई है। इसी तरीके ये सारे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं लिखे, जो बड़े बड़े गमलों में आ गए, तो ये अभी उसमें से एक बच गया, तो ये मेरे पास गमला नहीं था ये, तो ऐसे ही मैं ये इन डब्बों में ये हर एक डब्बे को भर के मिट्टी से थोड़ी थोड़ी उनमें, ये मैं ज़ाया नहीं करता, घर में से आते हैं ऊपर ले आता हूँ, तो इन मिट्टी भर के इनमें फूलों के पनीरी और टमाटरों की पनीरी, ये देखो ये मेरे पास जो बची हुई है ये सारे वही है, ये देखो कितनी ये बेल है दोनों, उसमें से एक बीज ये दो लगाए थे, एक लगाया था लेकिन एक गिर के दो उगे हुए, तो एक बड़ा हो गया और एक अभी छोटा हो गया। ये 2 महीने के बाद भी उग जाता बीज, इसका खड़ा रहे बचा रहे महीने बाद भी उग जाता, ये पहले का उगा हुआ है, ये नहीं पहले का उगा हुआ। तो इसी तरह ये मैं सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैं इस्तेमाल करने से जो वो भी इस्तेमाल होता है। ये इसमें पता नहीं क्या आया था, नीचे सलाद आया, सैलड आया था, क्या आई थी चीज़ जो इसमें से मैंने उगाई थी पनीरी, तो इसको फ़ायदा ये था इसको ढक दिया था तो वो बीज जल्दी उग गया था, गर्मी और नमी से उसको लगी तो जल्दी से उसे ये बीज बहुत जल्दी उगा। तो ये 5, 11, 10 का लगाया हुआ था 21 का, तो इसमें से मैंने बड़े बड़े निकाल के लगा लिए हैं, तो ये बच गए हैं, ये उसी तरह अभी मैंने छोड़ दिए हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे, ये भी है छोटा सा कंटेनर है, तो इसमें बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए ये जो लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं क्रीम वगैरह, तो वो मुझे अच्छा लगा नीचे से, तो ये मैं वो ले आया और इसमें मैंने पौधा लगा दिया। ये छोटी सी फाइकस है, बहुत प्यारी फाइकस, उधर मेरे पास बड़े पड़े हुए हैं इसके, उनकी मैंने काट के गमलों में लगा देता हूँ कटिंग, वो खुद उग जाती हैं, तो ये मैंने एक इसमें लगा दिया। अब इसके नीचे सुराख किए छोटे छोटे और ये इसी में बड़ा पौधा बन जाएगा, इतना हो जाएगा, इसको बस पानी की ज़रूरत है। ये अभी 2 माह का है गाल में, इसमें 1.5-2 माह का है सिर्फ, ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा इसमें, ये मैं लगा दूँगा इसमें लगा दूँगा। और ये और आया ये पार्क फ्लोर का, वो इसमें जो खाना आता है उसमें लगाए हुए थे, ये मेरे पास रेड हीरो के 2 पौधे बच गए हैं, इनकी टिप्स नहीं थी आगे, यानी हमारी जबान में कुंपल कहते हैं, तो ये मैंने छोड़ दिया, ये सारा सेक्शन ये इसी में से लगेगा इसके पौधे। तो ये सारी पनीरी इसमें लगाई थी, ये पासपोर्ट का ये भी ऐसे लगा के तो ऐसे बंद कर दिया था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है तारीख और डेट, ये इस तरीक को लगाए थे और फिर जब तैयार हो गए इधर हुए, ऐसे ही मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और ये कोई मुश्किल काम नहीं आप मेरे लिए रहा है। तो ये बाहर से जो मैं फूल फल लाता हूँ उसका ये है इसमें, और मैंने अपने घर से लगा दिया, एक मुझे सिफारिश आई है तो ये मुझे बना के दें, ये मैंने लगा दिया। और ये एक और है, ये देखें इसको भी 6 माह का, तो लारेज लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, ये भी लेडीज इस्तेमाल हेयर मास्क है, हेयर मास्क पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, तो ये मुझे अच्छा लगा, मैं नीचे से उठा के इसमें भी साइल बनाई मिट्टी अच्छी सी, जो साल हर साल चलेगी, और इसमें ये इस पौधा लगा दिया, इसको मदर्स ऑफ 1000 कहते हैं, ये इसके बच्चे, ये देखें ये पौधा है, मुकम्मल पौधा है, इसके पत्ते पे बना हुआ, ये ऐसे गिर जाएंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे ये बनेगा, और बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, अभी जब इसका मौसम आएगा बाहर मार्च में, तो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। तो ये फिर नीचे ले जाते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं और मेज़ पे रखते हैं, तो ये भी, और ये दही वाले हैं, बहुत से हैं लेकिन ये दिखाने के लिए, ये दही वाले कंटेनर हैं जिसमें दही आता है,
उसको भी ज़ाया नहीं किया, सुराख किया और इसके अंदर कटिंग लगा दी है। ये छोटी सी बड़े पौधे हैं मेरे पास, उनकी कटिंग लगाता रहता हूँ, कोई मांगता है दोस्त तो दे देता हूँ। इसे क्या ये है वो करौंडा, एक तो करौंडा हम खाते हैं फल का, ये बस पत्ते ही निकलते हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ मेरे पास बड़ा पौधा। और ये गिलास टूट गया था, तो ये टूटा हुआ गिलास उसमें लगा दिया, ये पौधा इतना बड़ा था ये टूट गया, यूँ गिर गया। तो ये इसलिए आप देखें यहाँ से जड़ें निकाल लें और भैया एक किस्म की बोनसाई बन गई और बहुत खूबसूरत लगता है ऐसा ही। ये इसमें ना कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, गिलास है वो पानी पीने वाला, तो ये इसमें मैंने पौधा लगा दिया। बस ऐसे ही भरी पड़ी है मेरे पास, छोटे छोटे और नीचे भी और ये उधर भी, ये ऐसे लगा देता हूँ तो ये फूल और पौधे बन जाते हैं, तो ये खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। ऐसे वक्त गुजर जाता है और ये घर में खूबसूरती आ जाती है, अच्छा खूबसूरत बनती है। गार्डन बनाया हुआ है छत पे, आप लोगों से गुजारिश है जो देखते हैं वीडियो को देखें वो भी अपनी कोशिश करें, आहिस्ता 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 2-4-10 कमरे फिर ऐसे गार्डन बन जाएगा और फिर आपको शौक पैदा हो जाएगा, आप ये तजर्बा हो जाएगा, आप बनाएंगे और घर की चीज़ें घर के फल घर के फूल देखेंगे खाएंगे और खूब मज़े उठाएँगे माशाल्लाह। ऐसे ही फसल गुजरता सारा।